नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि बैंगन की खेती में फल फूल की संख्या को कैसे बढ़ाएं। क्या आप भी बैंगन करते हैं और आपके भी बैंगन में फल की जो संख्या है वो बहुत कम है और फूल जो आता है गिर जाता है, तो उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करने चाहिए, तो उसी के बारे में आज आपको बताएंगे और सारी जानकारी देंगे हम कि बैंगन की खेती में कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि हमारे बैंगन की जो संख्या है उसकी उसमें बढ़ोतरी हो और उसमें अच्छी पैदावार लेने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं का प्लांट, और आज हम आपको दिखाएंगे पहले अपने बैंगनों में कि देखिए हमारे बैंगनों में कितना अच्छा तरीके से फल आया हुआ है। देखिए ये देखिए कितना फल आया है और ऐसा हमने इसमें क्या लगाया है जिससे हमारा इतनी भारी मात्रा में फल आया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जब हमारे बैंगनों में फूल आना शुरू होता है तो उस समय सबसे पहला स्प्रे हमको करना है, बोरान नाम का एक पाउडर आता है उसको लाना है और साथ ही में लाना है पीडोजर। दोनों को अच्छी तरह से अलग अलग घोल बनाकर, बोरान का जो घोल बनाएंगे तो 15 लीटर पानी के हिसाब से हमको लगभग 40 से 45 ग्राम बोरान पाउडर डालना है और पीडोजर 20 ml 15 लीटर पानी के लिए। दोनों को अलग अलग घोल बनाकर हमें एक टंकी में डाल लेना है। उसके बाद हमें अपने प्लांट में अच्छी तरह से उसका स्प्रे करना है जिससे कि सारे पत्ते भीग जाएं। ऐसे करके हमको स्प्रे करना है। स्प्रे करने के बाद लगभग 8 दिन के बाद दोबारा हमको उसी दोनों दवाइयों का स्प्रे करना है। ये दोनों दवाइयों का स्प्रे जब हम करेंगे तो 15 दिनों के बाद आप देखेंगे कि हमारे बैंगन के खेत में बहुत अच्छे तरीके से बैंगन की संख्या होगी और जिससे हमारा उत्पादन अच्छा होगा, हमको मुनाफा ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमारे वीडियो में लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट करके हमको बताएं कि हमने ये दवाइयाँ जो आपको बताई हैं उसका उपयोग आपने किया और उपयोग करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट मिला। ये दोस्तों आपको ज़रूर बताना है, वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, जिससे कि हमारे और किसान भाई हैं उनको भी ये जानकारी मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।